तैयार है उनके साथ साथ में, हम भी कुणाल पर हाथ रखेंगे, वो भी रखेंगे, दोनों बाद में कि कहाँ तक सच है। उनके माने सोच में है कि हमारे टीम जब छोड़ दिए, जब हम निकाल दिए इनको, तो इनको कोई भी काम नहीं करना। तो इतना ही बोले कि आप अपने अवकाश में रह के बात कीजिए। अच्छा, ये सब बात गलत है। देखिए, इल्जाम लगाने के लिए तो अभी तो कुछ भी इल्जाम हम पर लगा सकते हैं, लगाइए इल्जाम। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसा खबर जो पूरे बिहार को झकझोर दिया है, यानी कि मनी महाराज और झगड़ू महतो का जो विवाद चल रहा है आजकल, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर समझ चल रहा है और लोग देख भी रहे हैं। मैं बता दूं कि इस विवाद के पीछे क्या सच्चाई है, इसके लिए थोड़ी देर में आपको हम मिलवाएंगे उस झगड़ू महतो से। जी, झगड़ू महतो के कारण आज पूरे बिहार एक ऐसा सोशल मीडिया देखने में लग गया है। अब जरा सोचिए कि उस झगड़ू महतो को क्यों यहाँ पर लाया गया है और क्यों उनको अपने टीम से निकाला गया, ये सोचने वाली बात है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर के अंदर में झगड़ू महतो का फैन कॉन्फ्रेंस होने वाला है, यानी कि वो काफ़ी लोग यहाँ बैठेंगे, काफ़ी मीडिया यहाँ बैठेगी और उसके सामने झगड़ू महतो जी को पेश किया जाएगा। उसके बाद जो सवाल होगा वो मीडिया का होगा और जवाब झगड़ू महतो का होगा। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। लगे उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ आप सभी से कि मैं जो इस वीडियो के माध्यम से जो खबर देने वाला हूँ, एक गारंटी है कि इस खबर और इस प्रश्न को कोई मीडिया आज तक नहीं पूछा होगा। इस जो फ्रेंड कवरेज जो होने वाला है झगड़ू महतो का, इसमें मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारा सवाले होंगे और जवाब झगड़ू महतो का होगा। और जानने में जाहिर है और सभी बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार झगड़ू महतो को मनी महाराज की टीम से क्यों निकाला गया। इस पर काफ़ी ज़्यादा मीडिया भी सवाल कर रही है और कहीं ना कहीं बिहार के जितने उनके फैंस हैं वो भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन आज इस सबका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं झगड़ू महतो के पास, जिस झगड़ू महतो को मनी महाराज की टीम से निकाल दिया गया है। उसके पीछे सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए आप सब बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले मैं बता दूँ कि अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में और मोतिहारी में झगड़ू महतो को रखा गया है। क्या है मतलब मनी महाराज के साथ से आप क्या मतलब हट गए, क्या कारण रहा? मनी महाराज के साथ हम हटने ना, तो खुद हमरा के हटा दे। अच्छा, एक बार पहले हम आपका इंटरव्यू किए थे तो आप बताए हुए थे कि 25-30 हज़ार हमको महीना मिलता है, हर महीने जिस तरह भी जाता है उस तरह मिलता है। वो बात सब गलत है, वो हम पर इल्जाम लगा रहा है। उतना अगर पैसा मिलता तो उनसे पैसा हम थोड़े मांगते हैं। तो यही कहना है कि आप अपने तौर तरीके सब काम कीजिए। हाँ। हम अपने तौर तरीके से काम कर रहे हैं। हम भी आपके घर का स्थिति देखें तो हमको लगा कि इनको पैसा नहीं मिलता होगा, तो हम आपसे बात किए तो आप बताए कि नहीं अब मिलता है, पहले नहीं मिलता था। देखिए, पहले पैसा मिलता था, ये बात हम नहीं बोले को पैसा नहीं देते थे, लेकिन जो हमारा माने मुनासिब जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा हमको नहीं मिलता था। वही मांग किए उनसे, उनको बोले तो सबसे पहले हमारा बात सुन लीजिए। देखिए इसमें कहाँ से पॉइंट है, आखिर वो कौन सा बात है। देखिए, हम उनके साथ हम जब काम में जुड़े तो बोले कि भी पैसा नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा लेते रहिए, काम चलाते रहिए। तो हम देखे कि इससे हमारा काम नहीं चलता, तो हम कहा किए कि हम कर्ज लेना शुरू कर दिए। अच्छा, तो हम जिस आदमी से कर्ज लिए थे उसका असल पैसा था हमारे पास 70,000 रुपये, अच्छा, 6 महीना का अंदर में उसका ब्याज जोड़ के हो गया 1,30,000 रुपया। तो वो आदमी बोला हमको कि एक काम कीजिए, पैसा आपसे हम नहीं लेंगे। अच्छा। आप 2-4 वीडियो में हमारा काम कर दीजिए। अच्छा। कुछ हमको हेल्प कर दीजिए। हाँ, हाँ, पैसा नहीं लेगा, हमारे गांव का ही आदमी है। बोले कि ठीक है, कर देंगे। तो इनके पास हम फोन किए, इनको बोले मेरा जी को काम कीजिए ना, देखे वीडियो में बोल रहा है काम करने के लिए, आप क्या बोल रहा है, उसका पैसा है, दबाव डाल रहा है, या तो काम कीजिए नहीं तो हमारा पैसा दीजिए। हाँ, मान ली आपसे कर्ज ले है तो मंगबे करेगा। ये बोले नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, आप या काम कीजिए या छोड़ दीजिए। हाँ, उससे हमको कोई लेना देना, हाँ, कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में चुनाव 2 का ये जो वीडियो जहाँ शूटिंग कर रहे थे, अच्छा, उसमें एक तो हलचल कमेटी है, जिसका हलचल कमेटी में हम बनाए थे एक तो वीडियो। अच्छा। वो जो मंत्री जी का भैंसी चोट, तो वो हमारे साथ में जा रहा था, उससे हम लोग गए थे, उनसे पूछे कि काम करवाइए कि नहीं करवाइएगा। नहीं, आप आजाद हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, अब जाइए। तो हमारे ही हम सकल के तो इंसान से काम करवाए हैं चुनाव। अच्छा। आप वो देखिएगा वीडियो, वो आपके हाँ, साथ भी काम किए हैं कुछ वीडियो। हाँ, तो बात यही है। अच्छा, मनी महाराज अगर फिर से आपको ऑफर देंगे तो जाएंगे कि नहीं? देखिए, हम भी कुछ अब माने हम जानते हैं, कुछ ऐसा बात नहीं है। अब उनके पास दोबारा हमारा जाना बहुत नामुमकिन है। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जब आप लोगों का मतलब झगड़ा हुआ, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि आप उनके साथ मिले हुए हैं
और बोल रहे हैं जो लफड़ा था हमारे बीच में खत्म हो गया। नहीं नहीं वो बात नहीं, वो पहले का था, एक बार हुआ था घर एक बार घर पर हुआ था उनसे थोड़ा सा, तो बोले कि वो हमको इतना ही बोले कि आप अपने औकात में रह के बात कीजिए। अच्छा हाँ वही चीज था, ये जो मैटर अभी हुआ है ये मैटर के पहले का था, मतलब वो वीडियो वीडियो हाँ रोक के रखे तो वीडियो डाल दी। अच्छा कारण क्या है कि मणि मिराज के टीम में लगभग 12 से 15 लोग काम करते हैं ऐसा मणि मिराज कहते हैं, और उस टीम में अभी भी काम करते थे, लेकिन क्या कारण था कि पहले भी झगड़ा होता था और फिर अभी भी झगड़ा हुआ है? कि वो आपको सताते थे लोग या बूढ़ा समझ के कम पैसा देना या कम आंकना, क्या था मामला? देखिए उनको सिर्फ उनके दिमाग में था हमको सिर्फ यूज करने के लिए। अच्छा अच्छा माने कि सिर्फ काम करवाए हाँ। और उसका वेतन पैसा नहीं दे, माने देते थे माने जैसे कि माने ये कहीं जाए ना, यानी दिहाड़ी से भी कम देते थे, दिहाड़ी से भी काम के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलता, नहीं मिलता था जी। आगे और वहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि मतलब झगड़ू महतो जी जो है अगर वीडियो बनाने से पहले दारू नहीं पिएंगे तो वीडियो उनसे बनेगा ही नहीं, ये सब बात गलत है। देखिए इल्जाम लगाने के लिए तो अभी तो कुछ भी इल्जाम पर लगा सकते हैं, लगाइए इल्जाम। अच्छा एक बात को आप पुष्टि कर दीजिए कि मणि मिराज और आपके वीडियो में मैंने देखा कर रहे थे कि वो पैसा नहीं देते 400-500 रुपए देते थे जिससे मेरा क्या होगा, लेकिन मणि मिराज एक इंटरव्यू दिए किसी पत्रकार को और उसमें बोले कि उनको बुलाइए मेरे सामने और उनसे पूछिए अगर पैसा नहीं देते होंगे तो कुरान पे हाथ रखवाइए, तो कितना सही है गलत है? अगर वो ये बात जब बोलते हैं ना इंटरव्यू में दिए हैं तो हम तैयार हैं उनके साथ साथ में, हम भी कुरान पर हाथ रखेंगे वो भी रखेंगे, दोनों आदमी कि कहाँ तक सच है। हाँ क्या अमन मिराज के अलग होने के बाद अभी आप अलग हैं, अलग चैनल में काम कर रहे हैं, उन टीम से बाहर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए यहाँ बहुत हमको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सुरक्षित है, लेकिन एक तो उनसे हमको यही कहना है किन से मणि मिराज हाँ मणि मिराज से हमको यही कहना है कि आप अपने तौर तरीके सब काम कीजिए, हम अपने तौर तरीके से काम कर रहे हैं। और मणि मिराज कह रहे थे कि हमारे मतलब बहनों ही लगते हैं, बहुत ज्यादा मतलब मान सम्मान करते थे। देखिए मान सम्मान तो उनके टीम में जितने दिन काम के मान सम्मान हमको देते थे, मान सम्मान के लिए कोई बात नहीं है, ये बात हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, मान सम्मान को बहुत देते थे, इसलिए कि हम अपना ससुराल है वहाँ पर तो हमारा साला लगेंगे नाथा में। अच्छा ठीक है, उसके लिए मान सम्मान के लिए कोई दिक्कत नहीं था। पहले आप क्या करते थे? अच्छा झगड़ू महतो जी आप अभी आपने कहा पहले क्या करते तौर तरीके से काम करिए, तो क्या तौर तरीके का मतलब क्या बीच में आप लोगों को खसाट खटास आ रही है कि आप यहाँ काम कर रहे तो वहाँ काम कर रहे, कोई धमकी उमकी कोई ऐसा? देखिए धमकी का बात तो नहीं है, लेकिन धमकी बात ये कि हम यहाँ पर जब आए उनके साथ जुड़े पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी के साथ में जुड़े तो हम आए तो फर्स्ट वीडियो हम रिलीज किए। अच्छा फर्स्ट वीडियो हमारा था झगड़ू महतो हीरो झगड़ू महतो। अच्छा तो वीडियो हम लोग डाले उसके बाद में स्ट्राइक मार दिए। अच्छा कौन मणि मिराज? हाँ मणि मिराज जी, मणि मिराज जी स्ट्राइक नहीं वो दूसरे किस्से से मरवाए हैं। अच्छा। मानो जैसे कि पब्लिक के सामने वो देखार होना नहीं चाहते हैं। अच्छा, अच्छा। माने दूसरे के साइड से काम करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा माने आपको परेशान कर हाँ परेशान करने के लिए वो कहते हैं उनके माने सोच में है कि हमारे टीम जब छोड़ दिए हम निकाल दिए इनको तो इनको कोई भी काम नहीं करने दें। लेकिन मणि मिराज कहते हैं कि हमने उनको टीम से निकाला ही नहीं, बुलाइए उनको अपने टीम में हम काम करवाएंगे। हमारे पास गवाह है। अच्छा गवाह है, रिकॉर्डिंग है, हम हलचल कमेटी वाले साहब को बात करा देंगे जो हलचल कमेटी में हम काम किए हैं। समय आने पर रिकॉर्डिंग सुनाया जाएगा। अच्छा आपके पास पूरा एविडेंस है, प्रूफ है? हाँ प्रूफ है, चीज को सिद्ध कर सकते हैं। हाँ हाँ एकदम सिद्ध कर देंगे, ऐसा बात नहीं। फिर मणि मिराज अगर कहे आपको ऑफर दे तो जाएंगे कि नहीं? देखिए मणि मिराज अभी देखे मणि मिराज अभी भी बोल रहा है कि हमारा दरवाजा खुला है उनके लिए, उनको जब इच्छा हो तब चले आए, लेकिन हम जाएंगे नहीं। बोला गया कि दो बार आकर के आपसे माफी मांगे हैं मणि मिराज। देखिए माफी मांगने का बात नहीं है, वहाँ हमारे पास नहीं आए थे, हम झूठ क्यों बोले? इसलिए कि उनके तरह हमको झूठ बोलने नहीं आता है। हाँ यानी कि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आपको बुजुर्ग समझकर ज्यादा एज वाले व्यक्ति समझ के आपको इस्तेमाल किया गया है। हाँ ये तो बात सही है, बुजुर्ग समझ के और गरीब समझ करके, गरीब समझ हाँ गरीब समझ आप काम कर रहे हैं कि अभी तक आपका घर भी नहीं बना हुआ है। ये पहले बताइए, ये पहले आप लोग बताइए अगर दो साल के अंदर उनके हम साथ में काम किए और 100-150 का पैसा देता हमारा घर वैसा रहता? कौन आदमी जानता, कौन आदमी चाहता है कि हमारा घर द्वार नहीं बने?